अपराध नियंत्रण में युवाओं के कंधे पे, जैसे आपने कहा कि बस युवाओं के कंधे पे ही दे देना पूरा बोझ, पॉसिबल नहीं है, सबको सहयोग करना चाहिए। तो किस तरीके का सहयोग अभिभावकों से मिल सकता है और युवाओं से मिल सकता है? युवाओं को केवल दोष देना जरूरी नहीं है, इसलिए कहा गया कि युवा दोषी हैं ही नहीं, दोषी इनका अभिभावक से लेकर समाज और राष्ट्र के निर्माता जो कहे जा रहे हैं, जो हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये तमाम लोगों को इस बात के लिए चिंतन करनी होगी कि किससे कहाँ भूल हो रही है। उस भूल को जब सुधारेंगे तब युवा सुधरेंगे, वैसे युवा खाली चिल्ला नहीं सुधरेंगे। ये धन्यवाद। अभी क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया विधि महाविद्यालयों में जो स्नातक विधि की परीक्षा है, की शिक्षा है, उसके सिलसिले में जगह जगह निरीक्षण कर रही है, तो उस क्रम में आगे विचार किया जाएगा कि मगध विश्वविद्यालय में एलएलएम के लिए भी जो स्टैट्यूट्स हैं वो तैयार किया जाए, क्योंकि बिना स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस के, रेगुलेशंस के और साथ ही साथ राजभवन की अनुमति के, ये संभव नहीं है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन किया जाना बहुत ज़रूरी है, किया जाएगा। आपके नज़र में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, होनी चाहिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी स्नातक ला के लिए, एलएलबी के लिए नहीं है, तभी जो है जैसे शिक्षक नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है और सुविधाएं नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सुविधाएँ हों। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो मानक निर्धारित किए हैं, पहले वो पूरे हो तो उसके बाद जो है स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की ला की पढ़ाई के लिए प्रयास अवश्य होना चाहिए। इस दिशा में विश्वविद्यालय कोई कोताही नहीं बरतेगा। सर, विधि शिक्षा में एवं विधि व्यवस्था में कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं भविष्य? देखिए, विधि जो औपनिवेशिक काल की हमारी विधि शिक्षा के की जो विरासत है जी। उसमें आज देश काल और परिस्थितियों के अनुसार भारत, भारतीय समाज और राष्ट्र के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिस प्रकार के कानून और विधि के शासन की ज़रूरत है, उसको स्थापित करने के लिए नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए कानूनों की। जब तक वर्तमान में जो कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी और अन्य जो संवैधानिक जो कर्तव्य और दायित्व है नागरिकों के और खासतौर से राष्ट्र के, इस सिलसिले में दिशा निर्देशक सिद्धांत विधि की दृष्टि से नहीं तय होते हैं, जो 21वीं सदी से आगे चल करके हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे समाज के लिए उपयोगी हो, व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, तब तक मैं समझता हूँ कि यह विधि तंत्र इसी तरह से दीमक जैसे लगा है, वैसे दीमकों की जकड़ में रहेगा। सर, राजनीति में राजनीतिज्ञों के लिए विधि शिक्षा कहाँ तक महत्वपूर्ण और सार्थक सिद्ध हो सकता है? नहीं, वो जो चूँकि विधायिका के सदस्य हैं, विधायिका में जो भी विधायिका में बैठे हुए लोग जो कानून बनाते हैं जी। उनको तो कानून बनाने के लिए कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, विधि की शिक्षा जरूरी है, उनका ओरिएंटेशन होना चाहिए, रिफेसर को होना चाहिए, एक कुशल राजनीति के लिए विधि के शिक्षण जरूर होना चाहिए। विधायकों का एमएलए जो एमएलसीज हैं और जितने भी लोग हैं जो विधायिका से जुड़े हुए हैं, उनका ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षण होना चाहिए और साथ ही साथ उनका समय समय पर उनको रिफ्रेश किया जाना चाहिए, जिससे वो समाज की जो आज की चुनौतियाँ हैं उससे निपटने के लिए कानून बना सके। अब जैसे वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यह विषय बहुत ही चैलेंजिंग है न, और बहुत सारे इश्यूज हैं जो नए विधि की आवश्यकता को प्रमाणित करते हैं, तो इस दिशा में सोचना चाहिए। तो ज़रूरी है कि अब तैयार हो, उनको जानकारी हो, जानकारी के लिए उन्हें तैयार करने के लिए
उनको ओरिएंट करना चाहिए, उनको रिफ्रेश करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए। सर, न्यायिक प्रक्रिया को लेके भारत में बहुत सारे सवालात, बहुत सारी जद्दोजहदों का सामना भी करना पड़ता है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? वो तो लोकतांत्रिक जो तंत्र है उसकी वजह से है। कारण ये है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार है और जो हमारी न्यायपालिका है, पालिका है, वो स्वतंत्र है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि आज की जो न्याय व्यवस्था है उस पर जो है जो राजनीति है वो हावी होती जा रही है। राजनीति का भी उस पर अंकुश दिखलाई पड़ रहा है। तो ऐसी दिशा में ये सब होना स्वाभाविक है और समय पर इसलिए न्याय नहीं मिल पाता। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सर, अंततः युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? बस वो अपनी ऊर्जा को पहचाने और निराश न हो। अच्छे आज के समय में जो उनकी जीवन, उनकी जीविका और जीविशा के लिए ज़रूरी है संबल, उसको प्राप्त करने के लिए वो अपना जो है नैतिक बल भी अपने अंदर रखें और साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान भी हासिल करें। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना और देखा, नवादा विधि महाविद्यालय में संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी अपराध नियंत्रण में युवाओं की किस तरीके की भूमिका होनी चाहिए, किस तरीके से युवा क्राइम को कंट्रोल कर सकते, उसमें किस तरीके की भूमिका दे सकते, और यहाँ तक कि हमारे अतिथि ने ये भी कहा कि युवाओं के कंधों पर ही पूरा भार दे देना ही सही नहीं है, इसमें हम सबको अपना योगदान देना चाहिए, अभिभावक से लेके यूथ सबको अपना योगदान देना चाहिए, तभी हम जो हमारे देश में बढ़ रही अपराध है, क्राइम है, हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे नियंत्रण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ज्योति सिंह, कैमरामैन संजय सिंह के साथ, देखते रहिए मगी आवाज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।